तो स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि इंडियन बैंक CSB वर्सेस AEPS। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन बैंक का CSB बेटर है या फिर हमारा जो AEPS पोर्टल है। तो दोस्तों इंडियन बैंक CSB की जो कुछ खासियत है जो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा, देख सकते हैं हमारे जो AEPS पोर्टल है उसमें मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पैन कार्ड आधार से कैश विड्रॉल और डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन आ गया है, जो कि AEPS पोर्टल में कुछ खास है। और जो कि हमारा जो इंडियन बैंक का कियोस्क पोर्टल है उसमें हम लोगों को 10,000 निकालने का लिमिट है, और इसमें AEPS पोर्टल में भी 10,000 का लिमिट है, और उसमें बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सब तो सब दोनों में सेम है। और दोस्तों इसमें बस इंडियन बैंक CSB में एक अधिक खासियत है, इसमें कमीशन थोड़ा अधिक मिलता है, और इसमें इसमें अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन रहता है। और दोस्तों इसमें सर्वर डाउन होने पर भी इसमें ट्रांजेक्शन करने पर इंडियन बैंक CSB में फेल्ड नहीं होता, और AEPS में सर्वर डाउन होने पर अधिक से अधिक फेल्ड हो जाता है, पैसा कट जाता है। तो दोस्तों और AEPS पोर्टल में जो भी होता है पैन कार्ड, ये सब बिजली बिल, ये सब सब चीज़ का उसमें कैश कलेक्शन होता है, और फंड ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र, ये सब होता है, जो कि हमारे जो इंडियन बैंक का CSB है उसमें ये फ़ंड ट्रांसफ़र ये सब नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों